बड़े वक्त यहाँ लॉयर्स हैं मेरे, मुझे खुशी है तीनों कानून दान है, लेकिन यहाँ सीनियर कुछ लॉयर साहेबान भी हैं। मुझे बताइए साहब, 370 बीजेपी के एजेंडे में था, हम सब जानते थे, इसमें हमें कोई ये आपत्ति नहीं है कि उनके एजेंडे में था। उनका वक्त आया, चलो जी 2014 में उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कुर्सी ज्यादा प्यारी होती है, तो कुर्सी प्यारी थी, उन्होंने कहा चलो आज तो फिलहाल कुर्सी का मजा उठा ले, उसके बाद देखिए किया उन्होंने, हमें अच्छा लगा बुरा लगा अब कोर्ट फैसला करेगा क्योंकि कोर्ट में है। लेकिन ये हमारी स्टेट हुड का क्या किया उन्होंने, हमारे स्टेट के हिस्से क्यों किए, वो तो कहीं एजेंडे में नहीं था, ये हमें बताएं ये क्या एजेंडा है, इसका मतलब क्या है, हमारी स्टेट को स्टेट हुड खत्म करके यूटी बनाना मतलब तो बताए ना, हमें समझाए तो सही, क्या कहीं सौदा तो नहीं करने जा रहे किसी से, क्यों स्टेट हुड खत्म कर दी, कहते तो हमें कुछ और तो नहीं पर्दे के पीछे। आपने लद्दाख को अलग बना दिया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहे हो, आपने जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दी, मकसद तो हमें बताएगा, कुछ ना कुछ मकसद तो होना चाहिए ना। 370 35 ए हम समझते हैं, 35 ए में काफी सारे डिफेक्ट थे, मैं आपको सच बताऊंगा, एक लीडर के हैसियत से नहीं, एक मुसलमान के हैसियत से नहीं, वो इस्लाम में भी कहीं कबूल नहीं है, जो ऐसे किया गया था कि हमारी बहन बहू बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको उसकी शनाख्त कायम नहीं रहेगी, जब इस्लाम कहता है मजहब आता है हर मजहब कहता है तो वो कैसे हो सकता था, स्टेट के कानून कैन नॉट बी कि वो बिल्कुल ही ऐसे होंगे, लड़कियों के लिए एक है और मर्दों के लिए दूसरे, वो तो गलत था ही मुझे। लेकिन स्टेट हुड के पीछे क्या है, ये स्टेट हुड हमारी खत्म जो कि इसके कंप्लीट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिमोलिशिंग आवर स्टेट, बिहाइंड मेकिंग टू यूटीज आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वी आर ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। शक हमारे दिल में है, हमारे दिल में शक है, कहीं पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं पनप रहा है, इसलिए हम सबको एक तहरीक चलानी पड़ेगी अपनी स्टेट वापस लाने की, अपनी पहचान वापस लाने की, अपना स्टेट हुड वापस लाने के लिए। एक जवाब खाली मिलता है, सब हम तो पार्लियामेंट में कमिटेड हैं, वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब, 1947 में भी उस वक्त के वजीर आजम ने बड़े सारे हमें पार्लियामेंट के एवान से वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए, हमें तो डर लग रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे पता नहीं जम्मू में किसी को ये सोच कितनी समझ आ रही है, स्टेट हुड क्यों हमारी खत्म, स्टेट हुड खत्म करने में कुछ ना कुछ तो रीजंस होने चाहिए, लेट देम टेल अस व्हाई डिड दे डिवाइड द स्टेट एंड व्हाई डिड दे डिमोलिश अस इनटू अ यूटी। इसलिए जनाब मसला इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, और फिर पिछले 4 साल से कोई इलेक्शन नहीं, आज तो कश्मीर में अमन है, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, कश्मीर में पूरा अमन, बिल्कुल अमन है, और जो हमने 1990 से नहीं देखा, मैं आपको बताऊंगा वैसे हमने कभी 1975 के बाद ही नहीं देखा, 1975 के बाद ही बदअमनी थी, क्यों, जिस वक्त वो उन्होंने जंगल की सरकार लाई 75 में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपने कंधों पे लाया, तब तक वो कहता था ये कांग्रेसी गंदी नाली के कीड़े, तो 1975 में उसको वो कंधों पे लाए और चीफ मिनिस्टर बनाए, तब से ही हमने बदअमनी, शायद हमारी हिम्मत भी जुटाने के लिए कि हाँ आप हमारा हिस्सा हो, हम आपका हिस्सा है, हम वेरे दिया कश्मीरी मुसलमान बात क्या है, जम्मू ने जिस तरह उनको अपने दिलों में जगह दी, जम्मू वालों जितनी मुबारकबाद आपको दे दूं वो कम होगी, आपने उस वक्त जो लोग बाहर के आया अपने दिलों में बिठाया, उनको अपने घरों में बिठाया, अपनी जमीनों पर बिठाया, ये जानते हुए कि आपके पानी पे कमी हुई, आपके बिजली में कमी हुई, आपके स्कूलों में कमी हुई, आपकी नौकरियों में हिसाब वो ली गई, लेकिन आपने बर्दाश्त किया, आप मुबारक के मुस्तहक हैं, आज मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ।